क्या हो गया, जहाँ क्या काम नहीं हुआ क्या दिल्ली में? क्या काम हुआ है? काम 2 महीने से काम रुका हुआ है। केजरीवाल जी तो कह रहे दिल्ली को लंदन बना दिया। ये लंदन, ये लंदन देख लो, लंदन देखो आगे, एक मिनट लंदन देखो आगे, ये लंदन ये रहा। अरे मुल्ला जी रुको तो सही, अरे हाथ तो मिला लो यार हमारे से कम नाराजगी है हमारे। नहीं नहीं नाराजगी, मुझे देख के आप भागने लग गए। नहीं नहीं नहीं, करोड़ों रुपया लगा रखा केजरीवाल ने, यहाँ पेशाब घर नहीं है, पब्लिक परेशान है, कहाँ जाएगी पेशाब करने के लिए? चांदनी चौक में। यस पहले, लेकिन मेरे को केजरीवाल का काम बहुत टॉप लगा, टॉप लगा, एक नंबर। मोदी जी और योगी जी बहुत बड़े आदमी, हम मजदूर आदमी हैं, अपना मेहनत की कमाई का खाते हैं। जो भ्रष्टाचार लोग थे, जो भ्रष्टाचार लोग थे, जैसे कि घोटाला करते हैं, उनके दर्द उठता है। हम मजदूर आदमी, हमारी वेतन है 15,000 रुपये महीना, चाइन चौक में हम सर्विस करते हैं, 15,000 रुपये महीना, तो हमको कोई दर्द नहीं हुआ। मोदी और योगी जैसा तो मनुष्य हो सकता है कि समझदार कोई दूसरा ही पैदा हो। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी के 5 अच्छे काम बता दें ये यूपी से। कहने को तो मैं कुछ भी कह दूँ, मैं भी प्रधानमंत्री हूँ, कहने को क्या है? कहने से कुछ नहीं होता, दिल्ली की जनता जानती है कि आप बेवकूफ बना रहे हो, फुद्दू बना रहे हो यहाँ के लोगों को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर, मेरा नाम है विनोद शर्मा। दिल्ली का मॉडल लेकर अरविंद केजरीवाल जी गुजरात पहुंच चुके हैं, और गुजरात का मॉडल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में पहुंचे थे। लेकिन क्या अब दिल्ली का मॉडल गुजरात में जिस तरीके से केजरीवाल जी बता रहे हैं, गुजरात की जनता समझ पाएगी? केजरीवाल का यह कहना है कि दिल्ली को हमने लंदन बना दिया है, और अब गुजरात की जनता भी बदलाव चाहती है। अब की बार 27 साल का जो रिकॉर्ड था मोदी सरकार का गुजरात में, केजरीवाल जी का यह कहना है कि वो टूटने जा रहा है। लेकिन मैं दिल्ली में हूं, और हेडलाइंस इंडिया की एक टीम गुजरात से आपको लगातार पल पल की खबर दिखा रही है। मैं इस वक्त चांदनी चौक में मौजूद हूं, जहां पर तमाम लोग आते हैं, पूरे देश से लोग यहां पर चांदनी चौक में सामान खरीदारी करने आते हैं। लेकिन यहां के जो लोकल बाशिंदे हैं उनसे बातचीत करूंगा। सर क्या नाम होगा? सौरभ गुप्ता। गुप्ता जी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का मॉडल गुजरात के लोगों को बता रहे हैं कि हमने दिल्ली को चमका दिया, हमने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया, लेकिन अब गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं और केजरीवाल उनके सामने ऑप्शन है। क्या लगता है, झाड़ू चलेगी कमल खिलेगा? भैया कमल ही खिलेगा, झाड़ू तो दिल्ली वाले देख रहे हैं, झूठे वादे, भ्रष्टाचार। आप नीति देखो, आप अगर आप नीति आपकी इतनी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों ली? हाँ, आपने अगर ली क्यों वापस, अगर सही थी तो? और आप गली गली में ठेके खुलवा रहे हो, क्या मतलब है? मतलब सबको बेवड़ा बनाना चाह रहे हो आप? ठेके तो आपने सरकारी खुलवा दिए, वापस ले लिया आपका नहीं? अरे तो ये करते ही यूटर्न है, इनका काम ही क्या, पहले आगे जाते फिर पीछे। इनका काम कुछ नहीं है, सिर्फ ये आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे फिर आगे। और आज तो इन्होंने उसको मनीष सिसोदिया को कृष्ण बता दिया, पहले हाँ भगत सिंह बता दिया। अरे तो भगत सिंह जी की और मनीष सिसोदिया की मतलब क्या है? कुछ वही नहीं है, क्यों बेइज्जती कर रहे हो भगत सिंह जी की? भाई वो सम्मानित व्यक्ति थे। अरे मनीष सिसोदिया, अरे सर सिसोदिया तो बोला जा रहा है कि एजुकेशन के इतने बड़े मिनिस्टर हैं, क्रांति ला दी उन्होंने दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में। तो स्कूल में जाके देखो ना, जो बच्चे पढ़ रहे उनसे पूछो आप। ऐसा थोड़ी नहीं होता, कहने से क्या, कहने को तो मैं कुछ भी कह दूं, मैं भी प्रधानमंत्री हूं, कहने को क्या, कहने से कुछ नहीं होता। दिल्ली की जनता जानती है कि आप बेवकूफ बना रहे हो, फुद्दू बना रहे हो यहाँ के लोगों को। वो तो गुजरात कह रहे हैं दिल्ली चमका दिया, अब गुजरात चमकाएंगे? अरे चमका लिया, उनके बस की है। जो गुजरात की जनता जानती है, जो युवा पीढ़ी है वो तो एक मुझे नहीं पता, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है वो जानती है कि गुजरात के हालात क्या थे, बीजेपी आने के बाद गुजरात के हालात क्या हुए। अब इनके हाथ में, इनके हाथ में देने के बाद गुजरात के हालात और खराब हो जाएंगे। एक देख लो, भगवत मान को बिठा दिया है, क्या है, खुद एयरपोर्ट पर वापस कर दिया गया दारू के नशे में। ऐसा नहीं होता है, बेवकूफ बनाने वाली बात है, जनता पागल नहीं है, पागल नहीं है। हाँ जनता समझदार है। चलेगी क्या? अरे झाड़ू घर में गए, कुछ नहीं, झाड़ू नहीं चलने वाली, बीजेपी बीजेपी। हाँ जी, क्या कहेंगे, क्या लगा गुजरात में क्या होगा, झाड़ू चलेगी कमल खिलेगा? कमल खिलेगा, झाड़ू क्यों चलेगी? झाड़ू इसलिए चलेगी, गुजरात दिल्ली मॉडल है गुजरात में, तभी लागू करेंगे। तभी तो उनका हेल्थ मिनिस्टर अंदर सड़ रहा है, बहुत ईमानदार है ना, तभी अंदर सड़ रहा है, और कोर्ट बेल भी नहीं ले रही, इसलिए जो है वो चलेगा। फसा दिया बीजेपी वालों ने, फसा दिया बीजेपी वालों। बीजेपी तो कोर्ट तो नहीं फसा रही ना, कोर्ट तो अगर उसके बाद कोर्ट तो नहीं झूठी नहीं, अगर कोई सबूत है तभी तो अंदर है।
कोर्ट में तो मिनिस्टर को भी खड़े होना पड़ता है। केजरीवाल जी कह रहे बौखला गई है बीजेपी, डर लग रहा है, सिंहासन डोलने का हालत खराब हो गई है, पतली हो गई है। अब केजरीवाल कह रहे हैं गुजरात में सरकार आएगी झाड़ू की। आप बोलते रहो, बोलने में क्या है। मैं नहीं बोल रहा, केजरीवाल जी, केजरीवाल जी कुछ भी बोले, उनके बोल वो तो कुछ भी बोलते हैं, उनके बोलने से क्या होगा, उनके बोलने से जनता वहाँ पागल नहीं है। बोलिए या पेशाब, बोलने के लिए सबको आजादी है इस देश में, कुछ भी बोलते रहो। केजरीवाल ने बाबा क्या नाम है? मेरा नाम है अजीज। अजीज, करोड़ों रुपया लगा रखा केजरीवाल ने, या पेशाब घर नहीं है, पब्लिक परेशान है, कहा जाएगी पेशाब करने के लिए? चांदनी चौक में। यस, वो तो कह रहे हैं जी दिल्ली को लंदन बना दिया। लंदन क्या बना दिया, पेशाब घर नहीं है, बोलिए पब्लिक से, आप लोग कहा जाते पेशाब करने के लिए? चांदनी चौक। ये कह रहे हैं यहाँ बढ़िया हो गया काम, चांदनी चौक मेरे को 50 साल हो गए। आपको ये कह रहे बढ़िया, आपको ये जो हुआ ये तब अच्छा, गुजरात में क्या होगा? हम गुजरात में थोड़े जा रहे हैं। हाँ बताइए क्या कह रही हैं? हम लोग 20 साल से रह रहे, क्या दिया हमें? कहाँ रह रही हैं? दिल्ली में। दिल्ली में रह रहे हैं, आधार कार्ड है, पहचान कार्ड है, पैन कार्ड है, क्या मिला हमें? कुछ नहीं मिला। सरकारी योजना जो केजरीवाल जी निकालते नहीं मिला? कहाँ मिला हमें, ये पटरी पर है, केवाड़ी चुन रहा हूँ, ये पटरी पर रह रहा हूँ, बताइए आप। अब कह रहे गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार है तो कहाँ मिला बताइए ना, आप तो लूली लगा बैठे हैं, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अब बस हो गया, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, बस कुछ भी। भैया कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कि गुजरात में क्या होने जा रहा है? गुजरात में कोई काम नहीं हुआ भाई, हम तो गया था अभी सोमनाथ दर्शन करने के लिए, कोई काम नहीं हुआ वहाँ पे। तो क्या लग रहा है गुजरात में बदलाव होगा क्या, केजरीवाल जी सरकार बना लेंगे गुजरात में क्या? नहीं, बनाना चाहिए जैसे यहाँ दिल्ली में बना लिए, बनाना चाहिए। यानी लग रहा है दिल्ली का विकास गुजरात में मॉडल बनेगा? अब देखिए, अब मोदी और लोगों से बातचीत कर, अरे मुल्ला जी रुको तो सही, अरे हाथ तो मिला लो यार हमारे से कम नाराजगी है हमारे। नहीं नहीं, नाराजगी मुझे देख के आप भागने लग गए। नहीं नहीं नहीं। अच्छा क्या नाम है आपका? आपकी बात हो गई, जाइए अब। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ जी। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आसिफ, ये जामा मस्जिद वाला एरिया है, यहाँ पर करोल बाग भी है, क्या कहेंगे गुजरात में अब केजरीवाल जी भी पहुँच गए हैं? इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। नहीं, अच्छा दिल्ली का क्या, केजरीवाल ने विकास किया दिल्ली में, या दिल्ली जैसी थी वैसी ही नजर आ रही है? नहीं, सही काम किया है इन्होंने, वैसे मैं तो आता रहा हूँ लेकिन यूपी से आता हूँ, मुजफ्फरनगर। यूपी से आता हूँ, मुजफ्फरनगर के हो, अरे वाह। मुजफ्फरनगर क्या कहेंगे अब, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली में चला दी झाड़ू, पंजाब में चली झाड़ू, अब चलेगी गुजरात में झाड़ू। देखो जी जैसे वो कह रहे हैं, पता नहीं ऊपरले वालों को क्या मंजूर है, उन्हें पता है। अच्छा मोदी सरकार भी है 7 साल से उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार भी है, इन दोनों सरकारों में भी कुछ फर्क नज़र आ रहा है क्या मुसलमानों के लिए? नहीं जी, हमें कोई फर्क नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, या कोई दिक्कत है? असल में सबसे पहली बात तो यह, हमें इल्म नहीं है इसके बारे में कि टीवी देखना है, चैनल वैनल इस तरीके, उन्हें नॉलेज है, उनसे मालूम करो इस बारे में। हमें ठीक चल रहा है यूपी में, या फिर यूपी में प्रताड़ित किया जा रहा है मुसलमानों को? नहीं, सही चल रहा काम है, तो योगी परेशान तो नहीं कर रहे? नहीं 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 नहीं, यूँ कह रहे बुलडोजर चलवा रहे वहाँ तो? नहीं, वो पता नहीं किस पे चलवा रहे, हमारे यहाँ तो कोई चला नहीं बुलडोजर। आनी चली नहीं जी। इनके आनी चली, सही बात है। अंकल जी से बातचीत करेंगे, फोन कहाँ से आया है? अभी बता। हाँ जी, कहाँ से आया था फोन? फोन तो आया कहीं से भी आया है, बताइए आप। कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बलेन शहर, यूपी वाले बड़े आ रहे हैं, चांदनी चौक त्यौहार है। जी जी। अच्छा क्या लग रहा है दिल्ली, कैसी लगी? दिल्ली तो बस ऐसी लगी, ठीक है। केजरीवाल जी कह रहे लंदन में, लंदन सबको बना देगा वो, गुजरात भी चले गए, गुजरात में उसे मिलेगी 0 सीट। 0 सीट? हाँ, कह रहे बदलाव होगा गुजरात में। हो गया, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा, क्या कहने से होगा? नहीं होगा, भीड़ लग रही थी। हाँ लगन दो भीड़, भीड़ भीड़ तो कितने भी इकट्ठे कर लो पैसे देकर। न्यू कह रहे झाड़ू चलेगी, यहाँ कमल पमल गया, अब गए केजरीवाल जी, गए केजरीवाल जी का नंबर नहीं है, केजरीवाल का नंबर नहीं, कहीं से बात करते नहीं, कहीं से कहीं नहीं। हाँ जी भाई साहब, जेल जाएंगे ये लोग सारे, जेल जाएंगे और क्या, जेल जाएंगे, क्यों जाएंगे? जेल की वजह से तो बच रहे हैं ये लोग, सिसोदिया देख लो आज कहाँ भाग रहे, अभी वाले फंसा रहे हैं। केजरीवाल जी का कहना है अब जिसने जो कर रखा वो भुगतेगा ही, जिसने जो कर रहा है भुगतेगा नहीं भुगतेगा? इतनी बढ़िया आबकारी नीति बनाई थी दिल्ली वालों को, एक के साथ एक फ्री दे रहे थे, एक के साथ दो फ्री दे रहे थे, बढ़िया नीति है। अपने घर में तो ले गए वो सारे लोगों को, दारूखोर बना दिया लोगों को, दारूखोर बना दिया ना, पीना सिखा दिया दारू बिना, पानी का कुछ भी नहीं किया सही। अच्छा यूँ कह रहे दिल्ली को तो लंदन बनाया, गुजरात को भी बनाएंगे अमेरिका? लंदन तो देख ही रहे सब लोग, लंदन में रह रहे हैं। अच्छा। बाबूजी क्या नाम है? मेरा पुरुषोत्तम शर्मा। देखो पुरुषोत्तम जी एक बात बताओ मुझे पहले, मैं सुनो, ये पानी है ना 2 महीने से यहाँ पे बह रहा है, पीने का पानी है,
अभी तक इलाज नहीं हुआ, क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है? चुनाव लड़ रही है गुजरात में, दिल्ली मॉडल दिखा रही है, ये मॉडल देखते रहो आप। क्या हो गया, जहाँ क्या काम नहीं हुआ क्या दिल्ली में? क्या काम हुआ है? काम दो महीने से काम रुका हुआ है। केजरीवाल जी तो कह रहे दिल्ली को लंदन बना दिया। ये लंदन, ये लंदन देख लो, लंदन देखो आगे, एक मिनट लंदन देखो आगे, ये लंदन, ये रहा, ये लंदन दिखाओ यार आगे, एक मिनट। क्या लग रहा, कमल कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा गुजरात में, या झाड़ू चले? कमल तो खिला हुआ पहले से, क्या खिला होगा तुम? जा झाड़ू चले, झाड़ू तो चल भैया। दिल्ली में मुरझाए क्या कमल? यहाँ पे मैं दिल्ली में नहीं, गुजरात में बोलो, गुजरात में भी मुरझा जाएगा। क्या होगा गुजरात में? ये केजरीवाल आएगा, आएगा। हाँ, मैं राजस्थान का हूँ, पर मैं कह रहा हूँ केजरीवाल ने, राजस्थान में तो सरकार चल रही है कांग्रेस भले, लेकिन मेरे को केजरीवाल का काम बहुत टॉप लगा, टॉप लगा, एक नंबर। हाँ, और यहाँ पे मैंने देखा खड्डे थे, अब यहाँ पे घरों में भी ऐसी सफाई नहीं होती, ये बंदे सुबह से 50 बार सफाई कर रहे हैं। मजा आ गया, बिल्कुल आनंद आ गया। गुजरात हो चाहे पूरे हिंदुस्तान में केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? केजरीवाल बनना चाहिए उनको प्रधानमंत्री, केजरीवाल अभी तो बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। दूर कहाँ दूर? क्या दो राज्य जीत लिए, एक राज्य और जीत लिए? नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी अच्छी, बट अभी बहुत दूर है प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। अच्छा, गुजरात में क्या होने जा रहा है? केजरीवाल आने वाला, पस्त हैं लोग बीजेपी से, पस्त हैं। हाँ जी, सिर्फ मोदी, मोदी मोदी का क्या गुजरात? हाँ, हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर का घंटा बजे, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है, एक भी उनका रिप्लाई नहीं नोटबंदी का। बिना कह रही है दिल्ली में एक साल से लगभग कई ऐसे लोग हैं जो एक एक विशेष समुदाय की तरफ से दूसरे विशेष समुदाय की हत्या कर, टीवी वालों को खरीद रखा, वो जो बोलते हैं ना वो पब्लिक वो गा रही, व्हाट्सएप का ज्ञान गा रही, हकीकत ये आपके सामने है केजरीवाल का। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर जरा जाके देखिए शादीपुर गांव है, वहाँ पे क्या हुआ? मैं तो यहाँ जाके आया, मैं तो दिल्ली को देख रहा हूँ यहाँ पे। केजरीवाल ने करवाए थे दिल्ली में दंगे, केजरीवाल ने करवाए थे, उसके विधायक, उसके MLA, उसके सारे उसमें इंक्लूड थे। हाँ जी, गुजरात में क्या होगा? मोदी आएगा, गुजरात में मोदी आएगा, झाड़ू चलेगी। नहीं कह रहे, अब केजरीवाल जी ने कह दिया सब गए, अब झाड़ू चलेगी, झाड़ू झाड़ू टपाई के लिए चलेगी, टपाई के लिए। मोदी आना चाहिए, देश की इज्जत बढ़ानी है तो मोदी आना चाहिए, देश की इज्जत बढ़ानी है। हाँ, वो कह रहे मोदी तो था लेकिन मैं भगा दूंगा। नहीं, हिम्मत नहीं है, नहीं हिम्मत नहीं है। कह रहे हैं केजरीवाल को जनता पसंद कर रही है, अब की बार जनता मोदी को भगाएगी। नहीं नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं। हम कसम चाहते हैं मोदी ही आएगा, पूरा विश्वास, पूरा विश्वास, कसम खाते हैं मोदी आएगा। हाँ जी हाँ, कसम टूट गई तो नहीं नहीं भाई साहब, आपका क्या कहना है? मोदी जी आएंगे भैया गुजरात में। हाँ, गुजरात में मोदी, क्यों लगता है? गुजरात में तो मोदी जी थे ही पहले, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली को हमने चमकाया, गुजरात को चमकाएंगे, मोदी से त्रस्त है गुजरात की जनता। भैया मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी ने काम करे हैं, ऐसे मोदी जी ने रोड बनाए हैं, आपका सारा विकास ही मोदी जी ने कराए। वो कह रहे हैं कि बौखला गए हैं मोदी जी, बीजेपी बौखला गई है, केजरीवाल को जीतता हुआ देख के इसलिए फंसाना चाह रही है केजरीवाल को, जनता केजरीवाल के साथ है। नहीं भैया, मोदी जी आएंगे, हमारी इज्जत, मोदी जी आएंगे। और भाई मोदी के ही बहुत साथ हैं। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के। यूपी के, यूपी में तो बाबा का बुलडोजर है, बुलडोजर ही चलेगा, अब भी चलेगा और अगली बार भी चलेगा। बुलडोजर बेकार चला रहे बाबा, सही चला रहे, स्टीयरिंग पे बैठ जाओ, पता ही नहीं कहाँ चला जाए, क्यों ना चला, नाजायज जगह चल रही है, जायज जगह चली ना रही, जो नाजायज है वहाँ चल रही है, और वहाँ अधिकार चलाने का। में क्या लग रहा है? गुजरात में भी मोदी तो पक्का। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे भाई? अब अगर आपके बच्चे हमने गलती करे, हमारा पूरे घर को नष्ट कर देते, ये कहाँ का इंसाफ है बताओ भाई साहब? अगर बच्चा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी के 5 अच्छे काम बता दें, ये यूपी से मोदी जी के 5 अच्छे काम, मोदी जी के, योगी जी के, ये बताओ किसके? अरे दोनों में से किसी के बताओ, दोनों में से किसी के 5 नाम पूछ रहे अच्छे? हमारे यहाँ की गुंडागर्दी तो बिल्कुल खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई। मेरा स्टोर है फेनो वॉकर, ठीक है, वहाँ पे बस चाय वाली बेचारी ठिया लगाती है, उसके 20,000 रुपए छीन लिए गए, ये कहाँ की गुंडागर्दी खत्म हो गई? अतीक अहमद का क्या हुआ? ये कह रहे हैं जो बड़े बड़े माफिया थे वे तो व्हील चेयर पे चल चल के पंजाब से आने नहीं, जान से मार दो, बहुत अच्छा करा, उसे नहीं रहे, मार दो उसे, जान से मार दो, लेकिन बेरोजगारी का क्या जवाब दोगे आप? बेरोजगारी हो गई मोदी के आने से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स से बेरोजगारी हो गई मोदी? अरे भाई साहब, बेरोजगारी में भूखा कौन मर रहा है, ये तो बताओ। क्या नाम है आपका बड़े भाई? क्या नाम है? मेरा आदित्य। आदित्य, हाँ जी आदित्य, क्या लग रहा है कि पिछले, एक मिनट, क्या मोदी के आने से ही बेरोजगारी हुई है, या पिछले की जो सरकारें थी? नाइजीरिया, अरे मोदी जिंदाबाद बोलना, लेकिन नाइजीरिया से आगे निकल गए हम बेरोजगारी में। क्या लग रहा है?
केजरीवाल जी क्या गुजरात में सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। यानी केजरीवाल गुजरात में बौखलाए हुए हैं, जब तो मनीष सिसोदिया को आज बुला लिया दफ्तर में। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, कोई जवाब देगा? मनीष सिसोदिया को दफ्तर में बुला लिया है, एक के बाद एक फ्री दो है, एक के साथ एक फ्री दो, क्या चीज, किस लिए बुलाया, किस लिए बुलाया, बुलाया किस लिए, ये तो बताओ। ये कह रहे एक के साथ एक पौवा फ्री मिल रहा, पौवा फ्री मिल रहा था, आपको लेने तो नहीं बुलाया कि लेने। नीति ऐसी क्यों बनाई, किसने, सरकार ने, सरकार ने बनाई, जिसको पीना आके पियो दो। मोदी ने तो बड़े बड़े लोगों को फ्री दे दिया, वो तो आपको फ्री दे रहे, शराब मोदी बड़े लोगों को खराब दिया, हाँ जी शराब मोदी ने फ्री में क्या दिया, अमित शाह का बेटा, ठीक है, 30 करोड़ का मालिक था, लॉकडाउन में पूरी दुनिया रोड पे आ गई, ये बता दे अंकल की 80,000 करोड़ कहाँ से कमा लिया उसने। ये अंकल ये कह रहे एक के साथ एक फ्री की, एक सुना, एक 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 के साथ एक फ्री वाली योजना पे आपने कहा, सुना 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 सुनाई बातें हैं, कोई 80,000 और कोई कुछ नहीं है, बस आपको क्या कहोगे? मैं ये कहूँगा भैया एक मिनट सुनिए, मोदी जी और योगी जी बहुत बड़े आदमी, हम मजदूर आदमी हैं, अपना मेहनत की कमाई का खाते हैं, जो भ्रष्टाचार लोग थे जैसे कि घोटाला करते हैं उनके दर्द उठता है, हम मजदूर आदमी, हमारी वेतन है 15,000 रुपये महीना, चाइन चौक में हम सर्विस करते हैं 15,000 रुपये महीना, तो हमको कोई दर्द नहीं हुआ। मोदी और योगी जैसा तो मनुष्य हो सकता है कि समझदार कोई दूसरा ही पैदा हो, हम केजरीवाल इतने मनुष्य समझदार है, ईमानदार है? नहीं नहीं, केजरीवाल जी को मैं कुछ नहीं, कोई केजरीवाल तो मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, जैसे भाई जैसे चिड़िया को नहीं तोते को पिंजड़े में बंद कर लेते हैं, केजरीवाल जी तो कुछ भी कह देते हैं, राशन फ्री, खाना फ्री, सोना फ्री, रात में भी कह रहे पानी फ्री, बिजली फ्री, सब फ्री दूंगा, तो ये सब कुछ कह देते हैं। नहीं कतई नहीं, मैं कहता हूँ जिस तरीके से, भैया एक मिनट, योगी जी भी बड़ी आदमी है और मोदी जी भी बड़ी आदमी है, केजरीवाल जी तो जो मुंह में आता ना वो कह ही देते हैं, वो पैदल भी चल देते हैं, क्यों, कि वो जनता को दिखाते हैं मैं ऐसे चलता हूँ। नहीं कह रहे ना गुजरात में, गुजरात की जनता बदलाव चाहती है, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, अब बीजेपी गई, हमने तो आज तक केजरीवाल जी को सपोर्ट किया, पर वो दिमाग से मेरे भी उतर गए, मैं वोट उनको नहीं दूंगा, तुम्हारे भी दिमाग से उतर गए? हाँ जी, हाँ वो कह देते हैं जो भी मुंह में आता है, सोचे बिगड़ समझे ही बोल देते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है गुजरात में क्या होगा? भाई मैं गुजरात नहीं, मैं दिल्ली के चाहता हूँ, दिल्ली का मॉडल दिखा रहे, वो कह रहे दिल्ली को चमका दिया, लंदन बना दिया, अब गुजरात को बना, ये तो कहाँ, यहाँ तो एक मिनट भैया कहाँ बन, भैया 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 लंदन कौन कह रहा, भाई साहब लंदन बना दिया, कंगले यहाँ पड़े हुए, चोर यहाँ है, जेब कतरे हैं, तो भैया बचेंगे किससे, बताओ इतना पैसा लगाने का क्या फायदा सरकार का, केजरीवाल का पैसा लगाने का फायदा बताओ, दिल्ली के कंपेरिजन नहीं है, वहाँ बहुत साफ सफाई है दिल्ली। हाँ भैया, दिल्ली में साफ सफाई नहीं है, गुजरात में बहुत साफ सफाई है। हाँ क्या लगता है गुजरात में, अब इधर आइए गुजरात में अब झाड़ू चलेगी या कमल खिलेगा? कमल ही खिलेगा, ठीक है, कमल ही 100% कमल, केजरीवाल जी कह रहे अब नहीं खिलेगा, उनके कहने से थोड़े होगा, उन्हीं के कहने से हो रहा, नहीं होगा, कह रहे पंजाब में हुआ, आप गुजरात में भी होगा? नहीं गुजरात में नहीं होगा, पंजाब में हो गया, ठीक है, कांग्रेस कमजोर थी इसीलिए हो गया, गुजरात में नहीं होगा ऐसा। बाबा जी जो बिजली बिला रहे थे वो फिर बिलाने लग गए, बीबी जाके क्या क्यों नहीं आ रहे हमारे दिल्ली में? हाँ और क्या, दिल्ली में वो तो कह रहे बिजली फ्री, पानी फ्री, गुजरात को भी देंगे फिर, वो तो अब तो ले रहे हैं ना, अब तो आ रहे हैं बिल, अब बिला रहे हैं बिजली के, क्या दिख रहा है गुजरात में क्या होगा? गुजरात में कमाल आएगा, कमाल आएगा, कमाल आएगा। तो आप देख सकते हैं देश की जनता की आवाज, मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूँ, एक टीम हमारी गुजरात से पल पल की खबर दिखा रही है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली का जो मॉडल गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी जिसका बखान कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी जिस मॉडल का जिक्र गुजरात में कर रहे हैं, मैं उसी दिल्ली में मौजूद हूँ, और दिल्ली का ये चांदनी चौक वाला एरिया है जहाँ की जनता ने बताया कि आखिर गुजरात में क्या होने जा रहा है, गुजरात में केजरीवाल की झाड़ू चलने जा रही है या फिर मोदी का कमल खिलने जा रहा है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आखिर गुजरात की जनता क्या बदलाव चाहती है या फिर एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।